हाय व्यूअर्स, मैं दही कढ़ी बनाने वाली हूँ। दही कढ़ी बनाने के लिए आपको चाहिए, मैंने इधर हाफ कप दही लिया है, थोड़ी सी मेथी स्प्राउट्स है मेरे पास, राय और क्यूमिन सीड, ये चॉप्ड जिंजर, चॉप्ड गार्लिक, कड़ी पत्ता, 4 to 5 ग्रीन चिली चॉप पीसेस, 1 teaspoon बेसन, इसमें मैंने हल्दी पाउडर और हींग पाउडर मिक्स किया हुआ है। ये बाउल में हम अभी दही बीट करेंगे। यहाँ है ऑयल, पहले हम दही बीट करते हैं। चिली कड़ी बनाने के लिए मेथी स्प्राउट्स यूज़ नहीं करते हैं, और मेरे पास पड़ा था ये, इसके लिए मुझे अच्छा लगता है, इसके लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। पहले हम दही को बीट कर लेते हैं। दही को बीट करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। ये बेसन में थोड़ा सा पानी मिला लेंगे और बेसन को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। वी शुड एंश्योर दैट देयर इज नो लम्स इन इट। और ये बेसन का मिश्रण जो है हम दही में मिला लेते हैं और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और स्वादानुसार सॉल्ट इसमें। अभी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें मैं डालती हूँ 1 स्पून तेल, तेल में हम डालेंगे राय और जीरा, हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली, कड़ी पत्ता, जिंजर पीसेस एंड गार्लिक। Okay, for 2 seconds. Now the methi sprouts. Normally dahi kadhi banane ke liye maine pehle hi bol chuki bata chuki hu aapko ki main methi sprouts nahi use karti hu, to mujhe acha lagta hai ye, iske liye main isme daal rahi hu. हम दही में बेसन इसलिए मिलाते हैं कि गरम गरम तड़के में हम दही मिलाएंगे तो दही फटने की चांसेस हैं। अभी हम इसमें इसके बाद हम डालेंगे दही और बेसन के मिश्रण को। अभी हम इसे थोड़ा सा सिमर करने देते हैं ताकि ये बेसन की कच्चापन इसमें से निकल जाए और ये दही आप पुलाव के साथ परोस सकते हैं, प्लेन स्टीम्ड राइस के साथ परोस सकते हैं, और ऐसा ही आप दही कड़ी गर्मा गर्म पी सकते हैं।
अब चाहे तो इसमें रेड ब्रोकन चिली भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा शुगर भी आप डाल सकते हैं, अब आपकी इच्छा अनुसार। अगर आप एक्चुअली दही कढ़ी जो है वो माइल्ड ही बनाते हैं, ज़्यादा तीखा नहीं रहते हैं। अगर आप चाहे स्पाइसी बना सकते हैं ज़्यादा मिर्ची डाल के, या आप इसमें काला मिरी पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको हम सिमर करने देते हैं थोड़ा सा इन द मीन टाइम। ग्रीन कोरिएंडर हम चॉप करके रखते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी जो है आपको जैसा चाहिए आप बना सकते हैं। आपको अगर पतला कढ़ी चाहिए तो आप ज़रा पानी का क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं, या आपको थोड़ा सा घट कढ़ी चाहिए तो आप पानी का क्वांटिटी कम कर सकते हैं और थोड़ा सा बेसन ज़्यादा डाल सकते हैं ताकि वो घट हो जाए। नॉर्मली कढ़ी इज सर्व little bit watery only, थोड़ा सा पतला कढ़ी बनाते हैं नॉर्मली चावल के साथ परोसने के लिए, क्योंकि ये बैठे बैठे थोड़ा सा घट्ट हो जाता है ठंडा होने के बाद। कढ़ी बनाने के लिए आपको थोड़ा सा खट्टा दही चाहिए, एकदम फ्रेश दही में इतना टेस्ट नहीं आते हैं, इसके लिए थोड़ा सा खट्टा दही यूज़ कर दीजिए। ये हमारी खड़ी अभी तैयार हो चुकी है, इसे ट्रांसफर करेंगे बाउल में। और गार्निश करते हैं थोड़े से हरी धनिया के साथ। देखिए आपकी दही कढ़ी तैयार है। इसे आप प्लेन राइस पुलाव के साथ परोस सकते हैं या आप गर्मा गर्म इसे पी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एन्जॉय दिस डिश।